गाइस हमारे लिए बैड न्यूज है क्योंकि ये जो आप टोकन देख रहे हो ये हमारे गेम के अंदर से जाने वाला है और इस टोकन से हमने बहुत सारे कैरेक्टर लिया है बिल्कुल फ्री में। और ये टोकन जब हमारे पास नहीं था तो ना ही हमारे पास डीजे अलग था, उकोंग था, ना ही स्काइलर था, ना ही के कैरेक्टर था, कुछ भी नहीं था। और हम जब किसी बंदे से मांगते हैं कि भाई डीजे अलग दे दे, वो हमको गाली देता था। तो आप लोग ने ये टोकन से बहुत सारे कैरेक्टर लिया होगा। मैंने तो ये टोकन से 4-5 कैरेक्टर लिया। आपने कितना कैरेक्टर लिया आप मेरे को कमेंट करके बताना है। तो ये टोकन हमारे गेम के अंदर से कल अलविदा होने वाला है क्योंकि इसका आप लोग एक्सपायरी डेट देख सकते 8/6/2022, तो कल 8 जून होने वाला है। तो इसका मतलब कि यह हमारे गेम के अंदर से जाने वाला है क्योंकि इससे मैंने 5-6 कैरेक्टर लिया था और भी 2-3 कैरेक्टर बाकी रह गया था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इससे ले लूंगा, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं था तो इसलिए टोकन भी मैं कलेक्ट नहीं कर पाया। तो मेरे पास अभी 70 के प्लस टोकन है, तो जाने वाला है ये सब जाने दो। लेकिन इन फ्यूचर ये टोकन से हम सभी को बंडल वगैरह कुछ मिलने वाला है, गन के भी स्किन हो सकता है, बंडल हो सकता है। तो जैसे आप लोग देख सकते हो ये बाहर के कुछ सर्वर का है, तो इसलिए मैंने आप सभी को दिखाया। इन फ्यूचर ये हमारे गेम के आ सकता है। तो बाकी देखते हैं आगे चल के इसके बारे में, क्या ये हमारे गेम के अंदर और कुछ इसमें से रिवार्ड आएगा या नहीं। गाइस ये टोकन के बारे में मैंने आपसे भी बता दिया, अब मैं आप सभी को बताता हूँ रैम्पेज पास इवेंट का कैलेंडर हमारे गेम के अंदर अभी तक क्यों नहीं आया। तो आपसे भी पता कि हमारे गेम के अंदर अभी बम स्क्वाड का इवेंट चल रहा है, तो इसमें सबसे को बहुत सारे फ्री रिवार्ड तो मिल रहा है, तो इसलिए गरीना ने फ्री फायर के अंदर रैम्पेज इवेंट का कैलेंडर कोई भी सर्वर में अभी तक नहीं डाला है। तो आपको पता कि बम स्क्वाड में फ्री रिवार्ड मिल रहा है, तो रैम्पेज इवेंट में भी बहुत सारे फ्री रिवार्ड मिलेगा, तो फ्री रिवार्ड के ऊपर फ्री रिवार्ड आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए रैम्पेज इवेंट का कैलेंडर थोड़ा से लेट में आएगा, 10 जून को आ सकता है या फिर बम स्क्वाड इवेंट खत्म हो जाने की बात ही आएगा। तो देखते हैं क्या होता है, मैं हूँ आप सभी को बताने के लिए। अगर इसके रिगार्डिंग मेरे को कुछ पता चलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग हमें कमेंट करते हो जाने कि आपने ये टोकन से कितना कैरेक्टर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि ये वाला वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करते हो जाना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।